मूल मंगल में संतमाय धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति दीजिए। सद्गुरु कबीर का एक सरल किंतु लंबा का पद है, पहले मैं उसको पूरा पद कहूंगा और उसके पश्चात पद की कुछ पंक्तियों पर आपके समक्ष अपना निवेदन प्रस्तुत करूंगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, सद्गुरु शरणे जाए के तामस त्यागी, भला बुरा कह जाए तो उठ नहीं लागे, उठ लागे सो रार, रार महान नीच है, जेही घट उपजे क्रोध सोई घट नीच है। जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, कल अमृत तेरे पास भूल क्यों न पीछिए, अमृत फल लिए हार, रुचे नहीं रार को, स्वान को यही स्वभाव गहे पुनि हार, जाकर जौन स्वभाव छूटे नहीं जीव सो, नीम न मीठा होए सिंचे गुड़ घी वस, माला तेरे हाथ कतरने कांख में, आग बुझी मत जान दबी है राख में, कहा पे है बात कहे तेरी पीव को, ऊपर की सब बात फले तेरी जीव को, कहें कबीर पुकार समझ मन भावना, हंस गए सब लोग बहुत नहीं आवना, सद्गुरु शरणे जाएंगे तामस त्यागे। आप और हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नाम जपते हैं, माला फेरते हैं, धर्म के नाम पर और बहुत कुछ करते हैं, पहचान क्या है, कसौटी क्या है? आप भगत हैं, सत्संगी हैं, गुरु के शिष्य हैं, धार्मिक हैं, पुजारी हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, पीर हैं, आचार्य हैं, धार्मिक हैं, आधार क्या है, कसौटी क्या है? चंगल लगा दिए, जालियां बढ़ा दिए, चोटी बढ़ा दिए, माला पहन लिए, हमारे जब तक कपड़ा पहन लिए, राना में चादर ओढ़ लिए, मंदिर में जाकर के कुछ देर बैठ कर पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, आरती वंदना कर लिए, क्या ये सब धार्मिक भगत सत्संगी होने की कसौटी और पहचान है? ये सब उपरी उपरी कर्मकांड है। और ये बाहरी आलबाल में, कर्मकांडों में, दिखावा में हम उलझ गए हैं। अब दिखावे को ही हमने सच मान लिया है। मत और पंथ, मजहब और संप्रदाय अनेक है दुनिया में, लोगों के विचार अलग अलग, संस्कार अलग अलग, मान्यताएं अलग अलग, रुचियां अलग अलग, तो एक मत, एक संप्रदाय, एक मजहब होना बहुत कठिन है। सैकड़ों मत मजहब है दुनिया में और सैकड़ों हजारों प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, और जितने मत मजहब है सबके अपने कर्मकांड है, उपासना विधियां हैं।
इनमें से हम किसी को न छोटा कर सकते हैं न किसी को बड़ा कर सकते हैं। ये सब बिल्कुल बेकार है, ये ऐसा कभी नहीं है। सबकी अपनी सार्थकता है, सबकी अपनी उपयोगिता और आवश्यकता है। कुछ मन भुलाने के साधन है खिलौने, लेकिन खिलौने कब तक बच्चे बनकर खिलौनों से खेलते रहेंगे? विचारणीय प्रश्न तो यह है। जीवन में प्रौढ़ता आएगी या नहीं है, समझदारी का विकास होगा, समझदारी पुष्ट होगी या नहीं है, कुछ परिवर्तन होगा या नहीं है। गुरु की भक्ति करते करते, भगवान की भक्ति करते करते, पूजा करते, पार करते, नाम जपते, गंगा नहाते और साधु महात्मा हुए, वर्षों बीत गए, न लोभ छूटा, न मोह छूटा, न क्रोध छूटा, न वासना छूटी, न ईर्ष्या घृणा छूटे, न छल कपट छूटा, कैसे माने कि अवधारणा है, कैसे माने कि आप पुजारी हैं, कैसे माने कि आप भक्त हैं, किसी भगवान के या गुरु के भक्त हैं। यहां तक वर्षों बीत गए, ये सब करते करते तंबाकू नहीं छूटा, गाली गुटखा नहीं छोड़ा, गाली देना बंद नहीं हुआ, लड़ना बंद नहीं हुआ, छल कपट नहीं हुआ, कैसे मान लिए कि आप मैं धार्मिक हूं? कसौटी क्या? मैंने कहा कि मत मजहब को छोटा बड़ा नहीं है। मैं यदि ये कहता हूं क्योंकि मैं कभी कहता नहीं आई आई, और यदि मैं ये कहता हूं कि केवल कबीर साहब के विचारों पर चल करके ही कल्याण होगा, कल्याण का कोई और मार्ग नहीं है, तो मेरा ये कहना झूठा अहंकार है बस। और इस अहंकार से काम नहीं चलेगा। कल्याण के लिए कोई ये साधक होता है, कोई ये आदमी होता है, किसी गुरु से जुड़ा होता है, किसी मतपंथ की जो मान्यताएं हैं जो एक सानी बनाई गई है, उस अनुसार से वो वेद बनाता है, पूजा पाठ करता है, तो ठीक है। लेकिन कल्याण किसी मतपंथ संप्रदाय की डिबिया में बंद नहीं है। कल्याण पर अधिकार, कल्याण पर, मोक्ष पर, सत्य पर, ईश्वर एवं परमात्मा पर, जीव या आत्मा पर किसी की कटौती नहीं, किसी का अधिकार नहीं। जो जितना अंदर से सरल होगा, विनम्र होगा, जिसका मन जितना निर्मल होगा, चरित्र आचरण पवित्र होगा और सही बोध होगा, उसी का कल्याण होगा, चाहे किस किसी मत संप्रदाय में। इसलिए हम जिस मत संप्रदाय में हैं, अपने संप्रदाय के नियमों का पालन करें, उसमें जो कर्मकांड के नियम बनाए गए हैं उन कर्मकांडों का पालन करें, आचरण करें, और हमसे भिन्न जो मत संप्रदाय हैं उनके कर्मकांडों को, उनके धर्मगुरुओं को, उनके पूजा पद्धतियों को आकर कर उनके प्रति सम्मान की भावना रखें। एक धार्मिक व्यक्ति यही पहचान है। यदि एक धार्मिक व्यक्ति कटु है किसी बात को लेकर, एक धार्मिक व्यक्ति के अंदर कठोरता है, क्रूरता है, एक धार्मिक व्यक्ति के प्रति हिंसा की भावना है, कैसे माना जाए कि वो भगवान को समझा है और कैसे माना जाए कि उसने धर्म को समझा है? आखिर कसौटी क्या? दूसरे के दर्द का एहसास ही हमें नहीं है, हम दूसरे के दर्द, दूसरे की भावनाओं का ख्याल ही नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं। अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए दूसरे रास्ते में रोड़े भटका रहे हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, कैसे माने कि भक्ति जीवन में आ रही है या आ चुकी है? एक प्रसिद्ध भजन है, सुना होगा आप लोगों ने,
वैष्णव जन को देने के लिए जितनी रखवराई जाने रे वैष्णव जन, चूंकि नरसिंह मेहता जी वैष्णव भक्त इसलिए वो वैष्णव जन कहते हैं। वैष्णव विष्णु का भगत, मूल रूप में वैष्णव का शब्द अर्थ होता है विष्णु का जो भगत है, विष्णु और विष्णु के अवतार की पूजा करने वाला है वो वैष्णव है। लेकिन यहां अर्थ है साधु संत भगत, भगवान का भगत, गुरु का भगत वह व्यक्ति है जो पीर पराई जाने रे, जो दूसरे की पीड़ा का अहसास करता है। और जो जान बुझे गए तन से मन से वचन से किसी को भी पीड़ा नहीं देता है, किंतु जो बन सकता है दूसरों की सेवा करता है, रक्षा करता है, दया का व्यवहार करता है, मन में सबके लिए कोमल भावना रखता है, वह गुरु का शिष्य है, वह भगवान का भगत है, वह अल्लाह ताला का बंदा है, कुछ भी कर जाएगा वही। और जिन्होंने अपने तन मन वचन से दूसरों को पीड़ा देना बंद कर दिया, जिनके तन मन वचन के सारे दोष सारे दुर्गुण दूर हो गए, तो प्रत्यक्ष राम रूप दुनिया में सतत जीवित भगवान है। तन कृत मन कृत वचन कृत काहू दूषित नाहि, तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जगमान, जो तन से मन से वचन से काहू दूषित नाहि, किसी की निंदा नहीं करता, अपमान नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता, ऐसे संत जन सत्य पिते राम सत्य पिते भगवान प्रत्यक्ष भगवान कहां उतार रहे हैं। प्रत्यक्ष भगवान सामने है वो तो समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे जो भगवान हैं जिनका तन मन वचन निर्मल है उनको प्रार्थना करें, हमारा और आपका तन वचन निर्मल हो जाएंगे, हम भी भगवत रूप हो जाएंगे। भगवान पाना नहीं है, भगवान का उद्घाटन करना है, भगवान को समझना है, क्योंकि भगवान सबके भीतर बैठा हुआ है। घूंघट के पड़े खोल रहे तो कुप्पी मिलेंगे कभी ख्याल करते हैं ये घूंघट क्या अरे पी क्या क्या कहीं बाहर मिला हुआ है तो पी घूंघट है अविद्या। देखो यहाँ कहा करते हैं सदगुरु करने जाएंगे तामस जाएगी, यहाँ ऊपर में तामस कहते हैं वहां घूंघट कर देते हैं। बात एक ही अविद्या अहंकार लोभ मोह वासना आशा तृष्णा कामना यही घूंघट है। इनका क्या करते भीतर भगवान उद्घाटित हो जाएगा, कहाँ भटक रहे जाने के ईश्वर स्वर भूतनाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जब गीता में आप बार बार पढ़ते हो ईश्वर सभी प्राणियों हृदय में बैठा हुआ है, समझने का प्रयास कभी किया? गीता में एक और बढ़िया मंत्र आता है उपद्रष्टान मंत्र का भरता वक्त महेश्वर परमात्मा की चापि को देहे अश्विन पुरुष उपद्रष्टा जो सब देखने वाला है, अनुमंतर जो सबको प्रेरणा देने वाला है, भरता जो सबका भरण पोषण करने वाला है, भोक्ता जो अपने पापों में कर्मों का फल भोगने वाला है, महेश्वर और जो महान ईश्वर परमात्मा इति च अपियुक्त जिसे परमात्मा भी कहा जाता है, वो कौन देहे अश्मिन इस देह के भीतर रहने वाला जो पर पुरुष है जो श्रेष्ठ पुरुष है आत्मा हुआ, तो आप क्या लगता वही तो आप है ना। इतनी बड़ी बात गीता में कही गई है और वो गीता पढ़ रहे हैं, वो घर कर रहे हैं भगवान पाने के लिए, क्यों? ये भूंगा का जो पटर अविद्या का पर्दा, मोह माया का पर्दा, अहंकार कामना का पर्दा, स्वार्थ का पर्दा, ये पर्दा जब तक नहीं फटेगा आत्मा साक्षात्कार परमात्मा साक्षात्कार आत्मानुभव केवल मोक्ष का अनुभव कभी नहीं हो सकता है।
मैं कह रहा कि हम और आप भक्त हैं, शिष्य हैं, जिज्ञासु हैं, साधक हैं, धार्मिक हैं, पुजारी हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, कसौटी क्या है? सफेद कपड़ा पहनी साधु हो गए, सफेद कपड़ा पहन करके साधु बन सकते हैं? साधु नहीं हुआ जाएगा। और ध्यान देना, बनना बाहर से हम धार्मिक बनते हैं, तिलक लगा लिए, चंदन लगा लिए, छोटी बढ़ा लिए, राम साधु धार्मिक बन गए, धार्मिक हुआ नहीं है। बनना अलग है, होना अलग है। बनना बाहर से होता है, होना भीतर। जैसे उदाहरण से समझ लो, नाटक होता है, नाच होता है, कोई राजा बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई सेनापति बनता है, कोई बनता है। एक व्यक्ति नाटक में, नाच में राजा का पार्ट अदा करता है, राजा बनकर के सबको डांटता है, न्याय करता है, और सुबह होता तब तो कुदारी लेकर बेचारा खेत खोलने जाता है। अभी राजा हो गया, उसके बनने का जरूरत थी? राजा बना था ना, हुआ नहीं था। तो बनाना बाहर से होता है, कोना भीतर। ऐसे ही साधु भी, साधु एक बनाना होता है, कपड़ा पहनने से साधु बना जाता है, और त्याग वगैरह से साधु हुआ जाता है। जो साधु बना होगा वो झूठ बोल करता है, गुस्सा कर करता है, लड़ाई कर करता है, सरकपट कर करता है, मारपीट कर करता है, लेकिन जब साधु हो जाएगा वो कभी नहीं। एक बात और समझ लो, यही पर विद्वान और ज्ञानी का अंतर समझना होगा। विद्वान होना अलग बात, ज्ञानी होना अलग बात। विद्वान होने के लिए आपको विद्यालय पहले प्राइमरी में भर्ती एडमिशन कराना होगा, फिर आप प्राइमरी जाके हाईस्कूल में जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, छोटी डिग्री बड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। डिग्री होगी विद्वान होगी, ज्ञानी पास को डिग्री नहीं होगी। तो विद्वान और ज्ञानी अंतर क्या है? बिना पढ़े आदमी ज्ञानी हो सकता है, लेकिन बिना पढ़े विद्वान नहीं। कोई ऐसा भी हो सकता है, हजारों में कोई एक होगा जो ज्ञानी भी होगा और विद्वान भी, अन्यथा विद्वान है तो ज्ञानी नहीं, ज्ञानी है तो विद्वान नहीं। विद्वान झूठ बोलेगा, ज्ञानी झूठ नहीं बोलेगा। विद्वान गाली देगा, ज्ञानी गाली नहीं देगा। विद्वान लड़ाई करेगा, ज्ञानी लड़ाई करेगा। विद्वान दूध का तंबाकू खाएगा, शराब पिएगा, ज्ञानी नहीं करेगा। अब सोचे कि आप अपने को ज्ञानी मानते हैं या विद्वान मानते हैं? हमें सोचना है कि अपने को विद्वान मानते हैं या ज्ञानी मानते हैं। सारा कुकर्म विद्वान कर सकता है, ज्ञानी नहीं कर सकता। ये जितने एक बात और लोग ये कहते हैं, भारत में शिक्षा का स्तर बहुत कम है, इसलिए समस्याएं बहुत ज्यादा है। अगर सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो समस्याएं घट जाएगी। ठीक है, अच्छी बात, सबको शिक्षित होना चाहिए, और हमारी सरकार प्रयास कर रही है सबको शिक्षित करने के लिए। लेकिन एक प्रश्न है, यदि शिक्षा का स्तर कम है, शिक्षा का प्रतिशत कम, यदि समस्याएं हैं, जब पूरी शिक्षा हो जाएगी समस्याएं घर जाएगी। मेरा निवेदन यह है, दफ्तरों में भूख लेने वाले अनपढ़ लोग हैं या शिक्षित लोग हैं, क्योंकि भूख की भ्रष्टाचार की समस्या कौन फैला रहा है, अनपढ़ या शिक्षित लोग? जितने बड़े बड़े गबन होते हैं, घोटाले होते हैं, ये अनपढ़ लोग कर रहे हैं या शिक्षित लोग कर रहे हैं? ये जितने आतंकवादी हैं, ये लोग ये सब अनपढ़ हैं या है या शिक्षित हैं?
के प्रति विश्वासघात करने वाले, देश के फाइलों को बाहर भेजने वाले अनपढ़ हैं, अशिक्षित लोग हैं, ये जितनी मिलावटबाजी करने वाले हैं, कालाबाजारी करने वाले हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित लोग हैं। मैं अनपढ़ता का पक्षधर नहीं हूँ, ये मैं समझता हूँ अनपढ़ता का पक्षधर, लेकिन शिक्षित तो हुए संस्कारी नहीं है। शिक्षा के साथ साथ यदि संस्कार की सीख दी गई होती, शिक्षा और संस्कार जब दोनों शिक्षा और संस्कार जब दोनों का मेल होगा तो आप ज्ञानी बन जाओगे, और केवल शिक्षा है तो आप विद्वान बन जाओगे। और ये हो विद्वान के पास शिक्षा है और ज्ञानी के पास संस्कार है, तो बात आते हैं। तो बनना बाहर से होता है और होना भीतर से होता है। साधु बन करके यदि कोई बन गया तो गलत काम कर सकते हैं, साधु हो गया गलत काम नहीं करेगा। एक उदाहरण समझ लो, उदाहरण प्रत्यक्ष सब जानते हो, याद दिला रहा हूं। रावण सीता का हरण करने के लिए आया, कैसे आया था? साधु बन कर क्या था? साधु साधु हो गया हो तो सीता हरण का प्रत्यक्ष क्या करते, समझे गलत बात को? यदि रावण साधु हो गया होता तो सीता हरण करने का प्रत्यक्ष क्या करते? साधु बना था ना, हुआ नहीं था। तो बनना अलग होता है और होना अलग होता है। हम धार्मिक बने हैं, हुए नहीं है धार्मिक। हमारा देश धर्म प्रधान देश, हम गर्व के साथ कहते हैं हमारा भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ धार्मिक लोग बसते हैं, ये मंदिरों में चोरी होती है धार्मिक लोग करते हैं या अधार्मिक लोग करते हैं? संप्रदाय मत के नाम पर, मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर ये जो बड़े बड़े लड़ाइया हो रही है, बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, कौन कर रहे हैं? धार्मिक लोग या अधार्मिक लोग? जितने भूख लेने वाले मिलावटबाजी करने वाले हैं, धार्मिक है या अधार्मिक है? तो मूल बात ये क्या है, ये समझ रहा हूँ। मैं मूल बात पर आता हूँ। सदगुरु शरणे जाय के तामस त्यागी। सदगुरु कबीर कहते हैं तुम गुरु की शरण में जा रहे हो, धर्म की शरण में जा रहे हो, भगवान की शरण में जा रहे हो, तो अंदर के तामस का त्याग करो। तामस उत्तेजना, तामस तामस क्रोध, तामस अंधकार, तामस अज्ञान, अनेक अर्थ है तामस। तब तमाम अनेकार्थ प्रसंगत्वात् कहा कहते हैं देखो तुम गुरु की शरण में गए हो, भगवान की शरण में गए हो, धर्म की शरण में गए हो, बहुत कुछ करते हो, तुम्हारे भीतर की आग बुझी है या नहीं बुझी है? यदि भीतर की आग बुझ गई है तो समझ लेना कि मैं सच्चा धार्मिक हो चुका हूं। धर्म की पहचान है, धार्मिक होने की पहचान है, भक्त पुजारी होने की पहचान है भीतर की आग का बुझ जाना, और हर आदमी के भीतर आग लगने की। जब जड़ते देखिया अपनी अपने यार, ऐसा कोई ना मिला जातो है ये लाल। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने अपने यार में सारा संसार जल रहा है, या आग भी अपनी ओर पराई होती है, बाहर की जो आग होती है ये अपनी ओर पराई नहीं होती, लेकिन बाहर की आग उनको कभी कभार लगती है, उसमें कुछ लोग जल जाते हैं। हम और आप दुखी हैं अपनी बनाई आग को, बिरला है जिन्होंने अपने भीतर की आग को पहचाना और पहचान कर बुझा लिया। उसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है, उसी के लिए भक्ति धर्म पूजा पाठ इससे जितने भी हैं सब की आवश्यकता है। काम की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, मोह की आग, मदमत्सर की आग, अहंकार की आग, आचार तृष्णा की आग, द्वेष की आग, ये आग कौन लगा रहा है? हमारे भीतर आग कितने लगाई है?
के आप पिछाई आप यहाँ विद्वान लोग बैठे बड़े समझदार लोग हैं आप आपके भीतर जो एक काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की आग है इसे आपने बनाई है आपने लगाई है या दूसरे ने लगाई है ये अपनी बनाई आग ये भीतर की जो आग बुझ जाए फिर आप समझ लेना कि धर्म मेरे जीवन में आ चुका फिर मंदिर जाओ तो और न जाओ तो एक बात और याद रखना धार्मिक होने के लिए मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं आप जाते हो अच्छा है मंदिर जाने वाला आदमी भी धार्मिक हो सकता है मंदिर जाए नदी जाए गीता गुरुद्वारा जाए मठ जाए लेकिन धार्मिक होने के लिए मंदिर मस्जिद गीता गुरुद्वारा मठ आश्रम जाने का आवश्यकता नहीं बिना गए भी आदमी धार्मिक हो सकता है और धार्मिक होने के लिए ईश्वर को मानना भी जरूरी नहीं है ईश्वर मानने वाला आदमी भी धार्मिक हो सकता है मैं नहीं कह रहा हूँ ईश्वर मानने वाला आदमी धार्मिक नहीं हो सकता लेकिन धार्मिक होने के लिए ईश्वर मानना जरूरी नहीं है बिना मंदिर गए बिना पूजा किए बिना ईश्वर माने आदमी धार्मिक हो सकता है साधु हो सकता है महात्मा हो सकता है कल्याण कर सकता है और ये सब करते हुए भी आदमी अधार्मिक हो सकता है अब उदाहरण के पास समझिए कि ईश्वर मानने वाला आदमी भी अधार्मिक है नहीं मानने वाला आदमी भी धार्मिक है सच्चा धार्मिक है बातें आप जानते हैं पुनः याद आया राम और रावण ये दोनों का नाम कौन नहीं जानता रावण वेदों का प्रकांड पंडित वाल्मीकि रामायण में रावण के लिए कहा गया है वेद विद्या व्रत स्नातक वेद विद्या में निपुण कहा गया रावण और आप आश्चर्य करेंगे कि वाल्मीकि रामायण में अनेक जगह रावण के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है आप कहेंगे रावण तो राक्षस लेकिन वाल्मीकि रामायण में रावण के लिए अनेक जगह महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है तो रावण चारों वेदों का प्रकांड पंडित वेद विद्या का स्नातक भगवान शंकर का बहुत बड़ा भगत उत्तम पुत्रस्थ करना थी ग्रंथ पूजे वो महादेव गोस्वामी जी पंक्ति याद आ गया शिव जी का पक्का भगत ब्रह्मा का पक्का भगत ब्रह्मा का तो प्रपौत्र ही है ना ब्रह्मा का बेटा पुलस्त पुलस्त का बेटा विदर्भा विदर्भा बेटा रावण ब्रह्मा का तो प्रपौत्र है रावण उनका पुजारी नहीं है जब शिव जी की पूजा कर रहा है तो भगवान तो मान ही रहा है आप यहां जितने लोग बैठे हैं कौन कौन रावण यहां धार्मिक बनना चाहेंगे हाँ बैठाएंगे धार्मिक तो ईश्वर तो मान रहा है वेद भी पढ़ रहा है पूजा भी कर रहा है ब्राह्मण भी है लेकिन आप लोग रावण यहां धार्मिक कौन बनना चाहेंगे कोई नहीं लेकिन दूसरी ओर देखो बिना ईश्वर माने बिना वेद माने आदमी धार्मिक हो जाता है आपकी धरती पर महान संत लाइट ऑफ एशिया जी नहीं कहा गया है तथागत बुद्ध ईश्वर नहीं मानता वेद प्रमाण नहीं मानता धार्मिक है या नहीं है बुद्ध जैसा धार्मिक महावीर स्वामी जैसा धार्मिक हम बुद्ध महावीर स्वामी की जमीन पर बैठे हुए हैं उनके तपस्थली पर बैठे हुए हैं महावीर स्वामी ईश्वर नहीं मानते बुद्ध ईश्वर नहीं मानते दोनों वेद को प्रमाण नहीं मानते इनके जैसा धार्मिक मिलना मुश्किल है ये धर्म क्यों धर्म इनके जीवन मुद्रा इन्होंने धार्मिक होने का नाटक नहीं किया दिखावा नहीं किया धर्म को जीने का प्रयास किया जीने का क्या धर्म को जिया बातें में नहीं कि विद्वान होना अलग बात और ज्ञानी होना अलग बात विद्वान हो जो पढ़ना लिखना पड़े ज्ञानी के लिए पढ़ना पड़े महर्षि में ही किसी विद्यार्थी से डिग्री मिले उनको आज उनको पीएचडी हो रही है लेकिन महर्षि में ही नहीं कहा पीएचडी किया था किस विद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया था कबीर किस विद्यालय में पढ़े थे नानक रैदास समझगत ये ज्ञानी थे विद्वान भले ना थे विद्वता भले ना थे ज्ञान इनके जैसा ज्ञान
नाना जैसा ज्ञानी, जनीर जैसा ज्ञानी, रैदास जैसा ज्ञानी, मतनी जैसा ज्ञानी, यदि लब भी हो जाए ना तो दुनिया का मेरा प्यार हो जाए। अमूल बात कर रहे हैं, सदगुरु शरण जाए के काम कर, तुम्हारे भीतर की जो आग है ये आग बुझ जाए, बस गुरु के भगत करते, भगवान के भगत, कुछ भी भगत, सबके भगत करते। गोस्वामी जी ने कहा, अहंकार की आग में दहत सकल संसार, तेहिचे बाजे संत जन केवल शांति आधार। गोस्वामी जी की छोटी स्थिति का है वैराग्य, उसकी पंक्ति है। गोस्वामी जी कहते हैं, पूरा संसार अहंकार की आग में जल रहा है, शांति का भाव लेकर के केवल संधि से बच सकते हैं। किंतु मैं दूसरे ढंग से कह सकता हूं, जिनके भीतर के अहंकार की आग बुझ गई है, वही संत है। कपड़ा चाहे सुनहरा हो चाहे कपड़ा साफ हो, साधुता कपड़े में नहीं, संत तो कपड़े में नहीं है। चाहे लाल कपड़ा हो, चाहे सफेद कपड़ा हो, चाहे मेरा चाहे पैंट कोई घोटा हो, चाहे धोती कुर्ता हो, चाहे साड़ी ब्लाउज हो, जिसके भीतर की आग बुझ गई वो संत, और जिसके भीतर की आग जल रही है वो संत है। सन्यासी वह है जिसके भीतर के काम मुंह की आग बुझ गई है, और साथ और संतारी वो जिसके भीतर आग जल रही, कपड़ा चाहे जैसा पहना हुआ हो, चाहे किसी बात के लिए कहते हैं, सब पुरुषों ने जाए के काम किया गया। भीतर का तामस, भीतर की आग, भीतर का ज्ञान, इसका त्याग कर दो, तुम सब चाहे जितना लाओ सबके भगत हो गए। स्वीकार है कि मेरे भीतर का ज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। जरा कल्पना करें, अचानक कोई व्यक्ति अभी हम लोगों के बीच आ जाए और आकर के माइक पे घोषणा करते, यहां जितने भी लोग बैठे सब के सब अज्ञानी है, यहां अज्ञानियों की सभा जुड़ी हुई है, कैसा लगेगा? जरा अच्छा लगेगा सुनकर? कोई कह दे कि तुम बड़े अज्ञानी हो, सहने हो, कोई व्यक्ति अपने को अज्ञानी मानने को तैयार नहीं होगा। हर व्यक्ति को ज्ञानी होने का अहंकार है, मुझे भी और आपको भी सब, मुझे अहंकार नहीं है ये कहना गलत है। अरे उसे अहंकार मिटाने के लिए साधना है, उसे अहंकार मिटाने के लिए त्याग करा के पद पर गुरु गुरु शरण में आए हुए। कोई व्यक्ति कहते कि तुम बड़े अज्ञानी हो, तुम बड़े नासमझ हो, ये सुन करके यदि भीतर में क्रोध आ गया, समझना हमने सिद्ध कर दिया कि मैं अज्ञानी हो, अज्ञान न होता क्रोध ना। किसी ने कहा कि बाबा आप बड़े अज्ञानी हो, और मैं इतना सोचते ही मैं क्रोध आकर के आपको बैठा लग गया, सिद्ध कर दिया मैं सचमुच अज्ञानी हो गया, यदि अज्ञानी ना होता क्रोध क्यों करता? किसी ने कहा कि बाबा आप बड़े अज्ञानी हो, सुन करके शांत आ गया, ना बाहर प्रतिक्रिया हुई ना भीतर प्रतिक्रिया हुई, मन शांत, समझने ना अज्ञान मिट चुका है, धर्म जीवन में आ गया, भक्ति जीवन में आ गया। इसी के लिए मेहनत करना, हम मन पर बैठ करके बोल रहे हैं इसमें कौन मेहनत है, हम नीचे बैठ करके सुन रहे इसमें कौन मेहनत है, मंदिर जाकर के बेटा पानी डाल दिए, थोड़ा प्रसाद चढ़ा दिए, आरती कर लिए, पूजा करी, इसमें कौन मेहनत है? मेहनत तो जीवन को शोधने में, मेहनत तो भीतर की आग को बुझाने में, या भीतर की आग वाली बुझ रही है, या अज्ञान का जो अंधकार है अंधकार दूर हो रहा है। आप मंदिर जाते हमारी माता बहने बहुत मंदिर जाते हैं, आप भी जाते हैं मंदिर जाते हैं, आप दिए जलाते हैं, घर में मंदिर बना लिए हैं, किसी महापुरुष का फोटो रख लिए हैं, चित्र रख लिए हैं, मूर्ति रख लिए हैं, वहां दिया जलाते हैं, अच्छी बात है।
लेकिन रात्रि का समय अंधकार होने वाला है, उस समय आप मंदिर में या देहरी पर या बाहर घर आंगन चबूतरे पर आपने दिया जला दिया, बात समझ में आई नहीं कि अंधकार है, प्रकाश का निकल दिया जलाया गया है ताकि लोगों को ठोकर न लगे, किंतु सूरज उग चुका है, पूरा प्रकाश फैल चुका है, इसके बाद भी आप यहां भोगे जब मंदिर जाते हैं तो दिया जला देते हैं, कोई संत आता है, गुरु आते हैं, आप आरती जलाकर लेके छोटी पति लाकर गुरु की आरती करते हैं, जरूरत क्या है? वो आरती जो दिखा रहे हैं गुरु को, वो गुरु जरूरत है या आपको हमें जरूरत? जो मंदिर में दिया जला रहे हैं वो देखा करता किसको है? जो भगवान कहा माना जाता है कि जो भगवान तो पूरी दुनिया को प्रकाशित करने वाला है, तो भगवान सामने एक छोटा सा दिया जलाना, बात समझ में तो नहीं आया? वस्तुतः एक परंपरा का निर्माण हम कर रहे हैं और परंपरा को धोते धोते परंपरा में जो संदेश दिया गया है संदेश हम भूल गए हैं, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है जीवन में। आप मंदिर में दिया जलाते हैं, जलाए एक बार दो बार यदि आपके मन में, लेकिन याद रखना दिए गया दिया भगवान के नहीं होता, दिए गया आवश्यकता मंदिर में बैठे भगवान को नहीं है, दिए गया आवश्यकता है कि हृदय मंदिर में बैठे भगवान को। कैसे आप बहुत दिया जलाए, अब फिर दिया जलाए, एक निवेदन है मेरा माता बहनों से, आप दिए जला ले चाहे मंदिर में चाहे घर में चाहे गुरु चित्र सामने किसी चित्र सामने, और दिया जला कर चाहे बैठ कर चाहे आंख चाहे खड़े होकर आंख बंद कर हाथ जोड़ कर सच्चे मन से प्रार्थना करिए, क्योंकि दिया अपने लिए है, सच्चे मन से प्रार्थना रोज प्रार्थना करें कि हे भगवान हे गुरुदेव, जैसे मैंने आपके मंदिर में दिया जलाया है मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे हृदय मंदिर में ज्ञान का जब आप दिया जला लो मंदिर में घर में रहा भी, उसके बच्चा बैठ करके खड़े हो करके जैसे भी हाथ जोड़ कर आंख बंद करके पूरी विनम्रता के साथ आप प्रार्थना करो कि हे भगवान हे गुरुदेव, जैसे आपके मंदिर में मैंने दिया जलाया है मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे हृदय मंदिर में ज्ञान का भक्ति का धर्म प्रेम का दिया जल जाए, जीवन में मेरा आशीर्वाद हो जाए। कभी जलाया है? कभी ये बात समझ में आई कि मेरे हृदय मंदिर मुझे ज्ञान का धर्म और प्रेम का दिया जलाना, भक्ति का दिया जलाना, दिया जलाते आते पूरे हो गए, जीवन समाप्त हो गया, लेकिन हृदय मंदिर में धर्म का दिया नहीं जला, हृदय मंदिर में प्रेम का भक्ति का ज्ञान का दिया नहीं जला, कल्याण कैसे होगा? जब हृदय मंदिर में ज्ञान का दिया जला ही नहीं है तो इस तामस दूर कैसे होगा? अभी तक अंधकार दूर कैसे होगा? और अंधकार ही दूर नहीं होगा तो धक्का दूर कहां से होगा? शांति का अनुभव कैसे होगा? आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? ये बात सोचे नहीं करी। अरे एक बात, अब मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने का क्या क्या? मंदिर जाना गलत में नहीं कर रहा हूं, जिसको भी अवसर मिलता हो मंदिर जाए आप अच्छी बात है, कोई भी मंदिर आपकी वहां का, लेकिन मंदिर जाते जाते उम्र काफी कुछ बीत चुकी है, प्रौढ़ता आ चुकी है, बुढ़ापा की ओर और कदम आगे बढ़ रहा है, घर का कला शांत हुआ है या नहीं हुआ है, जीवन का कला
मन का कला शांत हुआ है या नहीं? आखिर क्यों पूजा कर रहे हैं, क्यों आपकी वंदना कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कुछ परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा? मंदिर जाने का अर्थ क्या? मंदिर एक उपासना स्थल है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, ये उपासना स्थल है। लोग अपने अपने मान्यता अनुसार, अपने अपने मत मजहब के जो उपासना स्थल है वहां जाकर अपनी स्थिति याद करते हैं, विनय वंदना करते हैं। लेकिन बिना वंदना तक ही रुक जाना है, इस तक या ये तक रुक जाना है या आगे बढ़ना है? मंदिर जाने का अर्थ होता है अपने परिवार का, अपने जीवन का और अपने मन का मंदिर बन जाना। और जिस दिन परिवार, जीवन, मन ये तीनों मंदिर बन गए, उसके बाद मंदिर जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां आप बैठेंगे वहीं मंदिर का निर्माण हो जाएगा। पूजा क्या है? माता पिता है, सास ससुर है, दादा दादी है, उम्र में, पद में, मर्यादा में जो बड़े हैं उनका आदर, उनका सम्मान, उनकी सेवा, उनकी उचित आज्ञा का पालन। पति पत्नी है, भाई भाई है, पुत्री है, नमन भावन है, उम्र में, मर्यादा में बड़े हैं, परस्पर में प्रेम, समता, एकता, विश्वासपूर्वक व्यवहार। वो छोटे बच्चे हैं, उनके स्नेह, करुणा, वात्सल्य, उचित देखभाल। इस प्रकार से जब आप करेंगे आपके घर मंदिर बन जाएगा, परिवार मंदिर बन जाएगा। इसके लिए आपको हमें अपने स्वार्थ और अहंकार का त्याग करना होगा। याद रखिए, जितनी बड़ी सफलता उतना बड़ा त्याग की आवश्यकता होगी। और त्याग केवल स्वार्थ और अहंकार करके सफलता चाहते, शांति चाहते हैं, जीवन में परमात्मा को उद्घाटन चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, त्याग करने को तैयार नहीं है। न अपने आदत का, न आसक्ति का, न लोभों का, न स्वार्थ अहंकार का, बिना त्याग, बिना त्याग के। वो त्याग घर का त्याग नहीं है, घर के त्याग जब होना है तब हो जाए। बिना त्याग के जीवन में कोई बड़ी घटना घटित नहीं होगी। परमानंद, परम शांत, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार किसी का अनुभव नहीं होगा। जितना जितनी बड़ी सफलता तो उतना बड़ा त्याग। एक उदाहरण की बात समझे, एक मंदिर था चौमासा में, चार महीने वहां कथा होती। एक बार अच्छी कथाकार मंदिर में आए चौमासा के समय, उनके कहने की शैली इतनी मधुर थी, इतनी आकर्षक थी कि काफी अच्छी संख्या में लोग वहां उपस्थित हो जाते थे। और प्रायः कथा श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित कथा होती, महिलाएं बहुत बड़े संघों में उपस्थित होती थी, कथा की चल रही थी, बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। कथावाचक ने उस बीच में वहां उपस्थित महिलाओं ने पूछा, माताओं कि रोज आप भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए आते हैं, आपके मन में भगवान कृष्ण के लिए बड़ी भक्ति भावना है, बड़ी श्रद्धा है, एक बात बताएं, आप यहां कितनी माताएं बैठी, कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं? बोले कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो भगवान श्री कृष्ण जैसा बेटा चाहती हैं? जो जो महिलाएं भगवान श्री कृष्ण जैसा बेटा चाहती हैं हाथ उठाए। अब भारत में हिंदू परंपरा में कौन ऐसी माता है जो भगवान कृष्ण जैसा बेटा ना चाहे? सभी महिलाओं ने हाथ उठा दिया, हम भगवान कृष्ण जैसा बेटा चाहते हैं। महात्मा ने कथावाचक ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को,
कि आप लोग भगवान कृष्ण जैसा करना चाहते हैं, कौन कौन से नारी? एक प्रश्न और है, कितनी नारियां हैं जो अपने पति के साथ 10-12 साल जेल में बंद रहना चाहती हैं? हाथ उठा था, कितने ने हाथ उठा रखा? आप बताओ प्रश्न। अभी कृष्ण जैसा बेटा चाहते तो जेल में बंद रहना पड़ेगा, और उस कृष्ण जन्म में पहले 7 बेटे वरदान देना पड़ेगा, तब कृष्ण पैदा होगा। शांति चाहते हो, परमानंद चाहते हो, आत्म साक्षात्कार का तो भगवान दर्शन करना चाहते हो, किसी बेटे वरदान मत करो, 7 बार अहंकार का वरदान करना पड़ेगा, तब होगा, अन्यथा नहीं होगा। और ये कहा कहते हैं अतुल समय जाए के सामर्थ्य आ जाए। मैं ये कह रहा था कि आपको अपना घर मंदिर बनाना है, केवल स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके प्रेम और विश्वास पूर्वक व्यवहार करिए, सेवा समर्पण हो, सेवा समर्पण का व्यवहार करिए, आपका घर मंदिर बन जाएगा और मंदिर जाना सार्थक हो जाएगा। दुर्भाग्य यह है, लड़ाई करते हो घर में, क्षमा मांगते हो मंदिर में जाकर भगवान। जब भाई जिससे लड़ाई की हो, पत्नी से, पति से, सास से, बहू से, बेटा से, भाई से, भाभी से लड़ाई की हो, क्षमा उनसे मांगो, भगवान क्षमा क्यों करेगा? सारा कुकर्म करते हो घर में और बिना मना करते हो मंदिर में, क्या आपका भगवान इतना ना समझ है? क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? मंदिर बनाओ बाहर, लेकिन पहले अपने घर को मंदिर बनाओ, उसके लिए पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं लगेगा, केवल स्वार्थ और अहंकार का त्याग और प्रेम सेवा विश्वास का व्यवहार। अब जीवन मंदिर बनाना, मंदिर जाने का समय नहीं कहा, मंदिर जाने का अर्थ होता है परिवार का मंदिर बनना, फिर आगे जीवन का मंदिर बनना। जीवन मंदिर कैसे बनेगा? सदकर्म, उत्तम आचरण और उत्तम चरित्र से। और याद रखिए, पूजा चित्र की नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है। पूजा कैरियर की नहीं होती, पूजा कैरेक्टर की होती है। और सब अपने चित्र को, चित्र क्या है? मकान चित्र है, दुकान चित्र है, ये पद चित्र है, रुपये पैसे चित्र है, जमीन जायदाद चित्र है, ये सब तो चित्र ही है, इनको बढ़ाने में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और चरित्र को बढ़ाने की कितनी मेहनत हो रही? कैरियर बढ़े, कैरियर बढ़े, कैरियर बढ़े, कैरेक्टर ध्यान है या नहीं? कितना कैरियर बढ़ा लो, कैरेक्टर नहीं है, पूजा आपकी नहीं होगी, सम्मान आपका ना हो, सम्मान छूटा होगा। और एक बात और समझो, बात के बीच में आई थी रामा रावण की बात आई थी ना, रावण ब्राह्मण है, राम क्षत्रिय, ब्राह्मण बड़ा होता है क्षत्रिय, रावण राजा है, राम भी राजकुमार है, रावण बुजुर्ग है उम्र में, रावण अभी राम की उम्र बहुत थोड़ी है, रावण सोने के लिए भी लंका का राजा महा धनवान है, और राम तो जंगल में है, कुछ तो संपत्ति नहीं है रावण का, राम के पास, रावण के पास बड़ी सेना है, राम तो जंगल में है, पत्नी है, भाई है, कुछ बानर है बस, रावण चारों ओर प्रकांड पंडित है, राम के पास इतनी विद्या नहीं है, फिर भी पूजा राम की होती है, रावण की क्यों होती है? क्यों? रावण का चित्र है, राम का चरित्र है, बस समझ आ जाए, रावण का सिर्फ चित्र है, राम का चरित्र है, चरित्र चित्र बने या ना बने, चलो ना बेटा थोड़े हाँ बात थोड़ी मर्यादा तो रखो, तब तक तो घर में जीवन कैसे मंदिर बनेगा? सदकर्मों से, सदाचरण से और चरित्र, फिर तो जहां जाओ वहां मंदिर। और मन मंदिर कैसे बनेगा? अच्छे विचार, हम मनुष्य हैं, मनमात मनुष्य, जो प्राणी मनन करता है उस प्राणी का नाम है मनुष्य, जानवर मनन नहीं कर सकता, गहराई से बात चिंतन नहीं कर सकता। हम और आप मनुष्य हैं, इतना चिंतन करते हैं क्योंकि हमारे पास मन है,
और हर आदमी का मन हमेशा अच्छा सोचता है। दुर्भाग्य है निगेटिव नकारात्मक अधिक सोचता है, अब इसी बदलना है सकारात्मक सोचना है, अच्छे विचार। हर समय रास्ता खेत जा रहे हो, खलिहान जा रहे हो, नहा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, दुकान में बैठे हो या कुछ और कर रहे हो, जब सोचो अच्छा सोचो। किसके लिए? अपने लिए, दूसरों के लिए, यहाँ तक दुश्मनों के लिए। दुश्मन कहते कोई है नहीं, लेकिन है भी तो उसके लिए अच्छा सोचे, अच्छा सोचे, अच्छा सोचे, केवल अच्छा सोचे। पवित्र विचार बने बना कर रखे, मन मंदिर बन जाएगा, परिवार मंदिर बनेगा, सेवा से, प्रेम से, विश्वास से जीवन मंदिर बनेगा, सत्कर्मों से, सदाचार से, सच्चरित्र से मन मंदिर बनेगा, पवित्र विचार से। और जब मन कुचिंतन का त्याग, सच्चिंतन, वासना का त्याग, उपासना, अनात्म चिंतन का त्याग, आत्मचिंतन, मन मंदिर बन गया, मन मंदिर हो गया तब यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा ली, पीछे पीछे हरी फिर कहा कभी कभी भटक नहीं आता। और जिस आदमी का परिवार मंदिर बन गया, जीवन मंदिर बन गया, मन मंदिर बन गया, वो आदमी जहां बैठा है वहां एक नया मंदिर का निर्माण, अदृश्य मंदिर का निर्माण। इसी के लिए सत्य भक्ति की आवश्यकता है। इसी के सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु शरण में जाएंगे तामस त्यागी। तुम गुरु की शरण में जा रहे हो, धर्म की शरण में जा रहे हो, भगवान की शरण में जा रहे हो, तो भीतर का जो तामस है, भीतर की जो उत्तेजना है, भीतर का जो लोभ लालच है, भीतर की जो अविद्या है, अज्ञान है, अंधकार है, इसका त्याग कर, कुटिलता का, क्रूरता का, कठोरता का त्याग कर, अहंकार कामना का त्याग कर दो, फिर हर जितनी भी चाहे उसकी भक्ति जीवन में सार्थक। यही भगत होने का, धार्मिक होने का, पुजारी होने का, साधक होने का और साधु महात्मा होने का लक्षण है। एक पंक्ति, एक पंक्ति में सदगुरु कभी पूरी जीवन का सार मत करके रख देते हैं। सदगुरु कभी का एक पद मैंने कहा था, लंबा पद, अभी पहली पंक्ति में विचार विचार चल रहा है, सदगुरु शरण में जाए के तामस त्यागिए। शायद कहते हैं तुम्हारे भीतर उत्तेजना और अहंकार कामना का त्याग हो गया, जीवन में भक्ति, धर्म, माता सब उतर गया, भीतर की आग बुझ गई, जीवन शीतल हो गया और हमारा सब कुछ करना, मन जीवन पाना सार्थक हो गया, पूरा हो चुका है। इस पंक्तियों पर समय रहेगा, कल विचार करेंगे। आप सब धन्यवाद देते हो अपने मारे के समय बोलिए सदगुरुदेव की जय।